तो इधर कुछ भी वाटर फैसिलिटी नहीं है, हाँ दूर से लाना पड़ता। फिर वो पानी में भी क्लोराइड ज़्यादा है। जॉब्स के बोले तो जॉब्स नहीं है अभी, और तेलंगाना सरकार देता बोल के बोला था KCR ने, अभी तक कुछ जॉब नहीं दिया है। वो खाली वो क्या बोले तो वो नोटिफिकेशन डाल रहे। आपका क्या नाम है? प्रशांत रामटेके। ओके, तो आप महाराष्ट्र से हैं या यहाँ से है? लोकल यही गाँव, यहाँ पर बुढ़ा कौटाला से, कौटाला मंडल है। तो आपको मराठी और तेलुगु दोनों भाषा? मराठी, तेलुगु, हिंदी, सभी? हाँ, तीन भाषा। कौन सी क्लास तक पढ़े हैं? हम डिग्री तक पढ़े। अच्छा, डिग्री किया हुआ है आपने, इन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। ये बताइए, इस पूरे तेलंगाना में, इस स्टेट में जॉब्स की क्या पोजीशन है? जॉब्स के बोले तो जॉब्स नहीं है अभी, और तेलंगाना सरकार देता बोल के बोला था KCR ने, अभी तक कुछ जॉब नहीं दिया है। वो खाली वो क्या बोले तो वो नोटिफिकेशन डाल रहे, फिर भी वो जॉब नहीं दे रहे। हाँ, नोटिफिकेशन डाल रहे, वो एग्जाम लीक कर रहे, पेपर लीक कर रहे, बाद में वो क्या कर रहे कि वो बहुत युवता को बहुत परेशान है, पढ़ाई करने वाले को। हाँ, डिग्री PG PhD करके भी खाली खेड़े गाँव में रह रहे है, खाली गाँव का काम लेबर काम के लिए जा रहे हैं। बहुत तकलीफ है। ये स्थिति लगभग बहुत सारे राज्यों में, खासतौर से हिंदी प्रदेशों में भी, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, जहाँ जहाँ BJP की सरकार रही है, वहाँ पर ये आजकल एक ट्रेंड सा बन गया है कि नोटिफिकेशन जारी होता है, एग्जाम के लिए बात कही जाती है, सारा कुछ होता है, बाद में पेपर लीक हो जाता है, और फिर या तो फिर किसी और वजह से जो परीक्षाएं हैं वो कैंसिल कर दी जाती हैं। ये युवाओं के साथ एक लंबे समय से छल किया जा रहा है, और एक तरह से युवाओं को नौकरियों से, सरकारी नौकरियों से बेदखल करने का एक नया तरीका है, जो नया तरीका ईजाद कर लिया गया है। ये इससे तमाम लोग, सिर्फ UP या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ ही नहीं, यहाँ तेलंगाना में भी जो युवा है वो परेशान है। ये बताइए कि इस बार जो है क्या लग रहा है कि आपका तो ये सिरपुर कागज नगर का विधानसभा क्षेत्र है, बाकी जगह भी क्या हो सकता है? बाकी जगह अभी भी BSP डबल डिजिट आने वाले हैं। सार ने तो बहुत पढ़ाई किया है, IPS है सार, IPS है। वो कुछ हमारे खेड़े गांव के लिए, और जो भी नहीं पढ़ सकता दूर दूर जाके, और उसके लिए बहुत अच्छा करा, भला करा है सार। अच्छा। और उसको पढ़ाई के लिए वो जो भी होता वो सार भी देख लिया। अब हमारे गांव से भी कमल कुमार है, कामरे कमर कुमार, उसका बच्चा अभी 5th क्लास है। हाँ। वो इंटरनेशनल वो कोडिंग स्कूल में हैदराबाद में पढ़ाई कर रहे, वो ये सार से वजह से। अच्छा, सर की वजह से। हाँ। ओके ओके, तो ये बताएं कि वो उन्होंने अभी अभी राजनीति शुरू की है, अभी। हाँ। अभी तो वो पॉलिटिक्स में आए। हाँ। तो आपको लगता है कि वो इस बार जीत जाएंगे? हाँ, यहाँ 100% सिरपुर में सार जीतने वाला है। क्यों बोले तो सार के ऊपर हमारा विश्वास है। सार बिना राजकीय में आने के पहले, हाँ, सार सब लोगों को, बच्चों लोगों को रेजिडेंशियल हॉस्टल में, इसके पहले खाना अच्छा नहीं था रेजिडेंशियल हॉस्टल में, कुछ पढ़ाई अच्छा नहीं था, तेलुगु मीडियम था, अभी पूरा सार की वजह से इंग्लिश मीडियम हो गए, और खाना भी अच्छा मिल रहा है बच्चों को, और उसके लिए सार के इस बार सबका वोट हम सार के देने वाले हैं। ये बताइए कि इस पूरे एरिया में जो है कौन कौन से कास्ट जो है ज़्यादा? BC ST SC माइनॉरिटी। अच्छा, SC ST कितना है? ज्यादा नहीं है? ज्यादा नहीं है, SC ST ज्यादा। BC बैकवर्ड। अच्छा, और कौन कौन सी यहाँ पे जो फसल कौन सी होती है यहाँ पे, खेती में क्या उगता है? कपास, कॉटन, और सोया अभी थोड़ा कम है। हाँ। कपास ज्यादा है, कपास और धान। कपास, धान, ये इसको जो है वो मिल जाता है, अच्छा कीमत मिल जाता है उसका? और उसका कीमत बोले तो कभी कभी बार वो हमारे को कष्टकार लोगों को कीमत अच्छा आने वाला नहीं है। हाँ। बीच में दलारी है ना। हाँ। उसको वो लाभ हो रहे, अच्छा कष्टकारी लोगों को नहीं हो रहे। MSP गवर्नमेंट नहीं लेते हैं? गवर्नमेंट इस बार नहीं ले रहे है। कोई इधर दलारी लोग लेता। दलाल लोग लेता। तो फिर कैसे चलता है यहाँ का, लोगों का जो है इसका जो रोजगार का क्या साधन है यहाँ पे, लोग किस टाइप से कमाई करते हैं? वो खाली एम्प्लॉयमेंट तो है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो क्या क्या साधन है, किस टाइप से लोगों का काम चलता है, क्या गुजारा चलता है? खेती में जाके काम करता। अच्छा। वही है, इधर कुछ नहीं है, इसके कोई नहीं है, कोई नहीं। और ये जो फैक्ट्री है, मिल है, ये नहीं है, फैक्ट्री मिल कुछ नहीं है इधर।
कागज नगर में मिल है शायद, फिर उधर भी वो क्या है लोकल वाले को अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो बाहर वाले गुजरात राजस्थान उधर उधर वाले को उधर अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, और लोकल वाले को दिए तो भी तनख्वाह कम है, तनख्वाह बाहर वाले को 30,000 रहे तो लोकल वाले को 10-12-15,000 वैसा। अच्छा, ये फिर यहाँ पे जॉब्स की ये पोजीशन है, तो यहाँ के बच्चे क्या बाहर जाते हैं कमाने के लिए? बाहर जाते, क्योंकि लोग तो जो है छत्तीसगढ़ से या फिर एमपी से लोग तेलंगाना में हैदराबाद में आते हैं कमाने के लिए, यहाँ के लोग कहाँ जाते हैं? यहाँ के लोग हैदराबाद जाते हैं ज्यादा लोग, कोई लोग ज्यादा पढ़ाई करते चेन्नई इधर उधर जाते हैं। तो यहाँ क्या क्या डिमांड है, आप लोगों की क्या डिमांड है इस बार, क्या होना चाहिए? बहुत चेंजेस होना चाहिए, कहीं के लिए बोले तो इधर कुछ भी वाटर फैसिलिटी नहीं है, नहीं है इधर मेन वो ड्रिंकिंग वाटर क्या, ए, बोर वो पाइप उसको क्या बोलते, बोरिंग बोरिंग का, हाँ उसके वजह से वो पानी लेके आते हैं यहाँ ही है। अच्छा, वहाँ से हाँ दूर से लाना पड़ता, फिर वो पानी में भी क्लोराइड ज्यादा है। अच्छा, वो 400 ऊपर है, उसका मिनरल्स नहीं है उसमें। अच्छा, वो पानी पीने से दांत खराब हो रहे, तबीयत खराब हो रहे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो नीले गमछे लगाए हुए यहाँ पे आए हुए इकट्ठे हुए हैं, क्या बात है बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठे हैं, आज काफी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कारण है? मैंने आरएसपी सर आ रहे, अच्छा आ रहे, और साहब को वेट करने वेट करता है सर, वेलकम करने के लिए। कौन सा गांव है ये? यापलगुड़ा है सर, यापलगुड़ा कवटाल मंडल है। अच्छा, और सर ओके, तो क्या काम है ऐसा आरएसपी सर का जो आपको पसंद आता है? आरएसपी सर क्यों पसंद है? ओ, छोटा छोटा बच्चे को अच्छा कर दिया, शेरों बना लेके अच्छा कर दिया, हमारे भी अच्छा कर दिया, सब अच्छे आदमी है, सब लोग भी सर, 30 डेट है ना इलेक्शन का डेट, कब कब आता बोल के देख रहे। अच्छा, बाहरी मेजाड थे हमारा आरएसपी सर के, वही सब आदमी के मिल के बहुत ज्यादा मेजाड से सर का मई वोट डालेंगे सब आदमी। इसके पहले भी यहाँ पर बीएसपी से कोई एमएलए रह चुके हैं, इसके पहले भी बीएसपी के एमएलए थे, उनके बारे में क्या बोलेंगे? ओ सर क्या बोलते हैं, हमारे कौन थे वो, कौन अप्पा एक 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 बार हमारा बहुजन समाज पार्टी के इधर आया, आए बोल के हम बहुजन समाज पार्टी हमारा है, सौ आदमी का है, तो सौ आदमी मिल के बहुजन समाज पार्टी बोलते ना, हमारे अच्छे कर देता बोल के वोट डाल देंगे, जब दो पीट कर दिया वो आदमी अच्छा नहीं है, अच्छा सौ आदमी की मौसम कर दिया। अच्छा हाँ सर ओके, हाँ तो अभी वो उनको आप वोट नहीं, वो पसंद नहीं कर रहे? नहीं कर रहे, नहीं कर, सौ बात वो सौ आदमी, वो आदमी क्या कर दिया, सब ये अच्छा रोड नहीं है, किधर गया तो इधर नंदीगाम मुरलीगुड़ा इधर सोमनी तलाई वो सब छोटा छोटा इधर आए, वो रोड अच्छा नहीं है, और रोड अच्छा नहीं है तो कैसा माना, छोटा छोटा बच्चे को लेना हॉस्पिटल लेना बहुत तकलीफ है, एम्बुलेंस नहीं जाता, और सब आदमी की वो माना क्या बोलते हो कोने कोने पर गुस्सा है, गुस्सा है सब आदमी भी बहुत मेजाज आता सर की, ऐसा भी सर की बहुत मेजाज, तो हम सब लेको जीतने वाले हम। ओके धन्यवाद सर।